नमस्कार, मेरा नाम तन्मय गौड़ और मेरा नाम है प्रिया और स्वागत है आप सभी का निर्माण योग पर। हमारी रीढ़ की हड्डी यानी हमारा मेरुदंड शरीर का एक ऐसा भाग है जो सारे जीवन हमारे शरीर को सपोर्ट करता है, जिससे शरीर के प्रत्येक अंग कोऑर्डिनेट होते हैं और जो मस्तिष्क से जुड़ी होती है या नियंत्रित होती है। आज के आधुनिक युग में शरीर के मानव शरीर के लगभग हर एक अंग को ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, लेकिन हमारी स्पाइन यानी मेरुदंड एक ऐसा भाग है हमारे शरीर का जिसका ट्रांसप्लांट संभव नहीं। इसीलिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि अपनी मेरुदंड को स्वस्थ रखने के लिए हम हर संभव प्रयास करें। आज के सेशन में हम जानेंगे कि सरल योग के माध्यम से हम अपनी कमर व अपनी मेरुदंड को किस प्रकार स्वस्थ, मूवेबल, लचीला व मजबूत बनाए रख सकते हैं। ये पार्ट वन है, पार्ट टू भी आप तक बहुत जल्द आ जाएगा, तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। और यदि आपने यह वीडियो अभी तक लाइक नहीं की है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और समय समय पर योग व आयुर्वेद से जुड़ी जानकारियां प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ताड़ासन की विधि। सबसे पहले समस्थिति में खड़े हो जाएं, यानी हमारी कमर गर्दन सीधी हो और दोनों पैर आपस में जुड़े हों। अब श्वास भरते हुए यहीं से दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएं, उंगलियों को जोड़ें, हथेलियों का रुख आकाश की ओर करें, हमारी कोहनियां सीधी हों। फिर से एक बार श्वास भरें और अपनी एड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर उठाने का प्रयास करें। ध्यान रहे हमारी दोनों नज़रें किसी एक बिंदु पर केंद्रित हों, हमारा पूरा शरीर सीधा हो। ये हम ताड़ासन की पूर्ण अवस्था में आ चुके हैं। धीरे से प्रश्वास करते हुए वापस आए। ताड़ासन करने से हमारे पूरे शरीर में खिंचाव का अनुभव होता है, रीढ़ की हड्डी सीधी होती है। यदि किसी प्रकार की पोस्चुरल डिफॉर्मिटीज हैं, उन सभी डिफॉर्मिटीज का अंत होता है, पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और ग्रोथ एज के बच्चों के लिए ये आसन हाइट भी बढ़ाता है। ये सब लाभ प्राप्त करने के लिए इस आसन में 30 सेकंड से 1 मिनट तक रुककर 5 बार इस आसन को प्रतिदिन करें। इस अभ्यास के लिए दोनों पैरों को अपने कंधों के बराबर खोलकर खड़े हो जाएं। अब यहीं से धीरे से अपने हाथों को अपनी कमर के निचले भाग पर रखें, आराम से प्लेस करें और धीरे से श्वास भरते हुए अपनी कमर को पीछे की ओर लेकर जाएं। ध्यान रहे हमें अपनी क्षमता अनुसार ही अपनी कमर आगे व पीछे लेकर जानी है। अब धीरे से प्रश्वास करते हुए अपनी कमर नीचे की ओर लेकर जाएं। कोशिश करें आपके घुटने सीधे रहें, अपनी कमर में लगातार खिंचाव बनाए रखना है। श्वास भरते हुए पीछे, प्रश्वास करते हुए आगे। आगे जाते समय अपनी कमर को ज़्यादा से ज़्यादा आगे खींचें और सीधा रखने का प्रयास करें। धीरे से वापस आ जाएं। अगले अभ्यास के लिए भी अपने पैरों में 5 से 6 इंच का अंतर रखें। अब यहीं से अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएं, हथेलियों का रुख एक दूसरे की ओर ही हो। अब एक बार बीच में श्वास भरें और प्रश्वास करते हुए अपनी कटी से यानी कमर के ऊपरी शरीर को ट्विस्ट करके पीछे की ओर ले जाएं। कुछ देर यहां रुके और फिर श्वास भरते हुए बीच में आ जाएं। फिर एक बार प्रश्वास करें और दूसरी ओर लेकर जाएं। अपने हाथ को अपने कंधों के बराबर ही रखते हुए ज्यादा से ज्यादा पीछे लेकर आएं और आराम करें। इस अभ्यास में 30 सेकंड रुककर हम 20 से 25 बार कर सकते हैं। अगले आसन को करने के लिए सबसे पहले वज्रासन में बैठें। अब यहीं से अपने घुटने से ऊपरी शरीर को ऊपर उठा लें और दोनों पैरों में कंधे जितना अंतर रखें। धीरे से अपने दोनों हाथों को अपने कंधों के नीचे रखें जमीन पर। अब यहीं से श्वास भरते हुए अपनी कमर को नीचे की ओर धकेलें, अपनी क्षमता अनुसार जितना हम जा सकें और गर्दन उसके साथ ही ऊपर जाए। अब यहीं से प्रश्वास करते हुए कमर को ऊपर की ओर लेकर जाए और गर्दन से जालंधर बंद लगाने का प्रयास करें, यानी अपनी ठोड़ी को अपनी छाती से लगाने का प्रयास करना है। इसी प्रकार ऐसे 5 से 10 राउंड दोहरा जाएं। इस अभ्यास से कमर का दर्द खत्म होता है और हमारी रीढ़ की हड्डी यानी हमारा मेरुदंड भी लचीला बनता है।
धीरे से वापस आ जाएं। अब इसी अवस्था में शरीर को सीधा रखें और अपनी दोनों हथेलियों को कमर के निचले भाग पर रख दें, कोहनियों को पीछे की ओर खींचें और श्वास भरते हुए अपनी कमर को अपनी क्षमता अनुसार जितना हो सके उतना पीछे ले जाएं। श्वास लेते रहें। यह अर्धउष्ट्रासन की पूर्ण अवस्था है। इसमें कुछ देर रुकने का प्रयास करें। इस आसन को करने से रेस्पिरेटरी सिस्टम सुधरता है, तो अस्थमा पेशेंट्स के लिए ये काफ़ी अच्छा है। मस्तिष्क की ओर रक्त संचार बढ़ता है व हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा बनता है। अंत में शशांक आसन में विश्राम करें। आपकी छाती व आपकी ठुड्डी जमीन पर लगी हो, आपके हाथ खींचे हो व आपके नितंब आपकी एड़ी से जुड़े हों।